अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जैतून फूड केपी। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है बीफ फ्राई। चलिए आइए इसके अज़ा पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने ली है 1 चम्मच नमक की, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन, अदरक पाउडर 1 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं पिसे हुए। साथ में 1 कप लिया है ऑयल का और आधा के जी मैंने बीफ लिया है। इसको मैंने, ये देखें, इतने पीसेस में काट लिया है। और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे भी मैंने काट लिया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करती हूँ और साथ में कटी हुई प्याज। अब मीडियम आंच पे मैं इसे पकाना स्टार्ट करती हूँ। अब ये देखें, हल्का हल्का प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करती हूँ। और साथ में अदरक पाउडर। अब इसके बाद मैं बीफ ऐड करती हूँ। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। देखें, ये बीफ का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। अब इसके साथ मैं नमक ऐड करती हूँ, लाल मिर्च और हल्दी। अब इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मैं भून लेती हूँ। ये सारे मसाले जो अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी की ऐड करती हूँ। मीडियम आंच पे इसे मैं ढक्कन देके नरम होने के लिए रख देती हूँ ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन उठा के चेक करती हूँ। इस दौरान मैंने 2 से 3 मरतबा चेक किया है, ये बीफ जो हमारा है वो बिल्कुल नरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पिसे हुए टमाटर ऐड करती हूँ और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही आधा चम्मच जीरे की मैं ऐड कर लेती हूँ और इसे मज़ीद इसी तरह भूनती हूँ। ये तो भी बस देखें, 10 मिनट हो चुके हैं, मैं बीफ को इसी तरीके से भून रही हूँ। अभी ऑयल निकलना भी शुरू हो चुका है। और आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अब मैंने डिश आउट कर लिया है। ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये मैं डाल देती हूँ और साथ में लेमन। ये आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें।